4 दिन लगातार एलोरा जेल में ये चीज मिलाकर लगाया, फायदे देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, ग्रो हेयर इन वन डे। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम जानेंगे एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से बालों की ग्रोथ को जल्दी से बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ अगर आपके बाल ड्राई है, डैमेज है, या आपने कोई केमिकल यूज़ कर लिया है जिससे आपके बालों का मॉइस्चर बिल्कुल डाउन हो गया, स्प्लिट एंड्स काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो आज जो मैं आपको फॉर्मूला बताऊँगा एलोवेरा जेल के साथ क्या चीज़ें ऐड करना है जिससे आपको रिजल्ट काफ़ी दुगने मिल जाए, बालों की ग्रोथ भी बढ़े और ड्राई डैमेज बाल भी रिपेयर होए। तो ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है, एक सेकंड भी स्किप नहीं करना। और आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हो तो नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आपको आर्टिफिशियल एलोवेरा जेल का इस्तेमाल नहीं करना है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। आप पतंजलि की भी एलोवेरा जेल यूज़ मत करना क्योंकि उसके अंदर भी आर्टिफिशियल खुशबू और कलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल लेना, वरना नहीं है तो आप इस रेमेडी को नहीं बनाना। पहले मैं आपको बता दूं, आपको प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है 10 से 15 ग्राम के करीब अगर आपके बालों की लंबाई ज़्यादा हो तो, वरना आपको सिर्फ 5 ग्राम एलोवेरा जेल एक बाउल के अंदर निकाल लेना है। बात करेंगे एलोवेरा जेल के फ़ायदे की। दोस्तों, एलोवेरा जेल हमारे बालों को मॉइस्चराइज रखता है। अगर आपके बाल सन से डैमेज हो गए, ड्राई है, तो उन बालों को रिपेयर भी करेगा और आपकी स्कैल्प को हेल्दी रखता है। काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसके अंदर नेचुरल एंजाइम पाए गए जो बालों को स्मूथ बनाने का काम करता है। तो यहाँ पर आपको 5 ग्राम नेचुरल एलोवेरा जेल लेना है। अब हमें इसके अंदर दूसरी चीज़ मिलाना, वो है ग्लिसरीन। याद रखना दोस्तों, सिर्फ 2 से 3 बूंदें ही आपको ग्लिसरीन की मिलाना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना। अगर आपकी स्कैल्प में जख्म है या कट आ गई है तो आप ग्लिसरीन को अवॉइड करोगे दोस्तों, ये बात का ध्यान रखना, वरना सिर्फ आपको ग्लिसरीन के 3 बूंदें ही मिलाना है अगर आपकी स्कैल्प हेल्दी है तो। ग्लिसरीन करती क्या है, हमारी स्कैल्प को हेल्दी रखती है। ग्लिसरीन के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई गई हैं जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। यहाँ पर आपको 3 ग्राम ग्लिसरीन मिलाना है एलोवेरा जेल के अंदर। अब हमें इसके अंदर लास्ट और आखिरी चीज़ मिलाना, वो है कस्टर ऑयल। ये हमारे बालों का लुब्रिकेट है, आधा चम्मच के करीब, सिर्फ आधा चम्मच। ध्यान रखना दोस्तों, क्वांटिटी कितनी लेना है, सिर्फ आधा चम्मच ही यूज़ करना। आपको इन दोनों चीज़ों के अंदर कस्टर ऑयल को ऐड कर देना है। ये हमारे बालों का लुब्रिकेट है और हमारे बालों को स्मूथ और मॉइस्चर देने के लिए काम में लिया जाता है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये क्रीमी पेस्ट तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा हल्का सा पतला रहेगा, लेकिन इसको यूज़ किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता दूँ। आपको स्कैल्प पर और पूरे बालों पर लगा के रखना है। शैम्पू करने से पहले भी इसको यूज़ कर सकते हो या शैम्पू करने के बाद इसको यूज़ कर लेना। कम से कम 30 मिनट तक बालों में लगाए रखना, उसके बाद बालों को क्लीन कर देना।